क्या गाइस, अगर आप भी एराउंस का बेस या फिर टॉप लेना चाहते हैं और कंफ्यूजन है कि कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट रहेगा, तो आज के इस वीडियो में ये सारा कंफ्यूजन हम आपके लिए दूर करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम एराउंस के टॉप और बेस के बॉक्सेस के प्राइस के ऊपर। यहाँ पर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो प्राइस के ऊपर बात करेंगे वो एराउंस के उन बेस या फिर टॉप की रियल प्राइस रहेगी। यानी आप एक एराउंस का बढ़िया सा सेटअप तैयार करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एराउंस के पैसिव टॉप ले, यानी टॉप का बॉक्स पूरा आप ले, उसके अलावा बेस का बॉक्स भी आप लेना चाहे, यानी आप एराउंस के एक बढ़िया सा सेटअप खड़ा करना चाहते हैं और उसके प्राइस को लेकर आप कंफ्यूज है कि कितनी प्राइस तक एराउंस का सेटअप तैयार होगा और कौन कौन से मॉडल एराउंस के अंदर है जो हम बेस या फिर टॉप में से चूज कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरा देखिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम एराउंस के ऑल बेस बॉक्स के ऊपर बात करेंगे और उसके अलावा अराउंड के ऑल टॉप सीरीज है उसके बॉक्स के प्राइस के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम अराउंड के सभी नए मॉडल के जो बेस लॉन्च हुए उसके ऊपर भी बात करेंगे, साथ में टॉप के जो नए मॉडल है वो भी हम जानेंगे और सभी की प्राइस और उसकी पावर रेटिंग के साथ में जानेंगे और इनमें से सबसे बेस्ट बेस कौन सा रहेगा, किसका रेस्पॉन्स सबसे बढ़िया रहेगा पंच के मुकाबले में या वाइब्रेशन या फिर लॉन्ग थ्रो में, वो सारा का सारा आज के इस वीडियो हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हमारे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, आज के हमारे इस वीडियो की शुरुआत हम अराउंड के सिंगल बेस के साथ में करेंगे, जिसका मॉडल आप EL112 देख सकते हो। ये हमारा पावर के अंदर 500 वाट RMS पावर के साथ में रहता है। स्पीकर इसके अंदर 12 इंच का एक यूज किया गया है लो फ्रिक्वेंसी के लिए, जिसकी वॉइस को 3 इंच की मिल जाती है। हर बेस के पेयर की प्राइस में रहेगा और वो आपको किसी जगह मेंशन की जाएगी, मैं आपको बोल कर नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट मॉडल AL118 रहता है। ये पावर में 1500 वाट का रहता है जो सिंगल बेस के अंदर है। इसके अंदर 18 इंच का एक स्पीकर यूज किया गया है, जिसकी वॉइस कॉल आपको 4.5 इंच मिल जाती है और ये भी हमारा काफी अच्छा सिंगल बेस के अंदर रहता है। ये हमारा अराउंड का टर्बो 528 जो एक न्यू लॉन्च बेस है जो डुअल के अंदर है। पावर में ये 1600 वोल्ट RMS पावर रहता है। इसके अंदर 18 इंच के दो स्पीकर यूज किए, जिसकी वॉइस कॉल 4 इंच की रहने वाली है और इसकी प्राइस यहाँ पर आपको सामने मेंशन की जा रही है। नेक्स्ट मॉडल हमारा एराउंस का न्यू ही है जो SUV18X2 जो इंडियन डीजे एक्सपो में लाइव डेमो में लगा था, जो 3000 वाट RMS पावर के साथ में है। 18 इंच के डबल स्पीकर यूज किए गए हैं, जिसके अंदर 4.5 इंच की वॉइस कॉल के साथ में रहती है। और उसके अलावा हमारा और एक न्यू बेस जो रियो सीरीज से रहता है 18 SUV, जो पावर के अंदर 1800 वाट RMS पावर का रहता है। ये भी हमारा सिंगल बेस के अंदर रहता है, जिसके अंदर 18 इंच एक स्पीकर यूज किए गए 4.5 इंच की वॉइस कॉइल के साथ में। ये हमारा एराउंस का न्यू लॉन्च बेस ही है वैसे। उसके अलावा नेक्स्ट मॉडल हमारा एराउंस का एक्टिव सबवूफर जो SUV212A रहने वाला है। ये हमारा एक्टिव सबवूफर यानी एम्पलीफायर इसके अंदर इंस्टॉल है। पावर रेटिंग के अंदर ये 1200 वाट का रहता है, जिसके अंदर 12 इंच के दो स्पीकर यूज किए गए हैं 3 इंच की वॉइस कॉल के साथ में। इस बेस की प्राइस भी यहाँ पर मेंशन की जा रही है और ये अराउंड का डुअल के अंदर एक्टिव सबवूफर है। नेक्स्ट मॉडल जो काफी फेमस SUV821 जो पावर के अंदर 3700 वाट का रहता है, 21 इंच के स्पीकर के साथ में, जिसके आपको 6 इंच की लार्ज वॉइस कॉल मिल जाती है, जो प्रेशर में भी काफी बढ़िया है और परफॉर्मेंस में जबरदस्त है। नेक्स्ट मॉडल SUV828 जो 2600 वाट RMS पावर के साथ में रहता है। यहाँ पर आप इस स्पीकर का भी लुकिंग देख सकते हो हमारे बेस का, जिसका 18 इंच के स्पीकर के साथ में 4 इंच की वॉइस कॉल रहती है। उसके अलावा नेक्स्ट मॉडल SUV218 जो आप बेस यहाँ पर आप देख सकते हो, काफी अलग लुकिंग के टाइप में और काफी पॉपुलर बेस है ये, जो 3000 वाट की पावर रेटिंग रहती है, 18 इंच के दो स्पीकर यूज किए गए 4.5 इंच की वॉइस कॉल के साथ में।
इसकी प्राइस भी मेंशन की जा रही है। नेक्स्ट मॉडल हमारा SUV 221, यानी एयरहाउस का सबसे ज्यादा पावरफुल वाला बेस। इसका पावर रेटिंग 3700 RMS पावर का रहता है, लेकिन ये हमारा 21 इंच के अंदर बेस है और नियो मैग्नेट के साथ में। इसकी वॉइस कॉल 6 इंच की रहती है और प्राइस भी काफी ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि बेस भी काफी हैवी और काफी अलग टाइप का है नियो मैग्नेट के साथ में तो रहेगी। नेक्स्ट हमारे बात करेंगे टॉप सीरीज जो अराउंड के है, टर्बो 525 मॉडल से, जिसका पावर 850 वाट रहता है। 15 इंची के दो स्पीकर के साथ में 3 इंची वॉइस कॉल रहती है। फ्रीक्वेंसी इसकी 50 से 18 की हर्ट्स रहती है और इनकी भी प्राइस इसी जगह मेंशन की जा रही है। नेक्स्ट मॉडल टर्बो का 535 रहता है, जो पावर में 1000 वाट का रहता है। ये हमारा फ्रेंड्स बाकी लुकिंग से थोड़ा अलग टाइप का देखने को मिलता है। इसके अंदर में 15 इंची के दो स्पीकर प्लस 3 इंची यहाँ पर वॉइस कॉल के साथ में रहती है। 50 से 18 की इसकी भी फ्रीक्वेंसी रहती है। फिर हमारा नेक्स्ट 545 मॉडल से जो टॉप रहता है, ये हमारा एक 3-way टॉप है। इस टॉप की लुकिंग थोड़ी आपको अलग देखने को मिल जाती है, यानी एक स्पीकर सीधा एक उल्टा यहाँ पर लगा हुआ है। इसके अंदर 4 इंची की वॉइस कॉल यूज की गई है। फ्रिक्वेंसी ये 40 से 18 की फ्रिक्वेंसी को लोड करता है और ये हमारा 3-way टॉप है। यहाँ पर इसकी प्राइस भी देख सकते हैं। ये है हमारे रियो सीरीज का सबसे पावरफुल टॉप, जो अराउंड के सबसे पावरफुल के साथ में, यानी रियो 215, जो 1600 वाट RMS पावर के साथ में रहता है। 15 इंची के डबल स्पीकर के साथ में 4 इंची की वॉइस कॉल रहती है। फ्रिक्वेंसी 50 से 19 के हर्ट्ज तक रहती है। तो फ्रेंड्स ये रहते हैं हमारे अराउंड के ऑल बेस और टॉप सीरीज के बॉक्स, जिसकी पावर रेटिंग और उसकी स्पेसिफिकेशन के साथ में प्राइस हमने देखी। यहाँ पर फ्रेंड्स अब आपको किस टाइप का सेटअप चाहिए वो आप सबसे पहले अपने मन में डिसाइड कर ले। एरोस के जो 12 इंची और 18 इंची के जो सिंगल सबवूफर है वो यहाँ पर फ्रेंड्स एक तरह से इंडोर के लिए सबसे बेस्ट है। वैसे आप उनको आउटडोर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इंडोर के लिए सेटअप लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स एरोस के 18 इंच और 21 इंच के बेस के साथ में जो सबवूफर है वो भी आप ले सकते हैं। और इसके अंदर कुछ नए मॉडल के बेस भी है, वो भी काफी बढ़िया रेस्पॉन्स के साथ में रहते हैं। और टॉप है जो काफी हाई पावर के साथ में भी और मीडियम रेंज के भी टॉप आपको देखने को मिल जाते हैं। उनमें से आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर मैं अपनी तरफ से सजेस्टिंग की भी बात करूँ तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एरोस का जो 3000 वॉट का बेस रहता है, जैसे एराउंड का SUV 18X2 मॉडल हो गया, या फिर एराउंड का दूसरा जो 3000 वाट की पावर रेटिंग साथ में वो मॉडल आप ले सकते हैं, जो बेस में मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट रेस्पॉन्स के साथ में रहेगा। अगर वही हम टॉप की बात करें तो यहाँ पर आप 1300 वाट का टॉप ले सकते हैं, जो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ में है, या फिर आप 1000 वाट का टॉप है वो ले सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इससे हैवी पावर का भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट